में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वीडियो पूरा देखना अंत तक। तो राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती चल रही है और इसकी डेट थी, इसमें पदों की संख्या है 13,184 पदों की संख्या है सफाई कर्मचारी भर्ती। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 20 जून 2023 से शुरू हुआ था और इसकी डेट पहले 19 जुलाई थी, 19 जुलाई से बढ़ा करके इसको 4 अगस्त कर दिया है, 4 अगस्त 2023 तक, और 4 अगस्त 2023 तक ही इसकी ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। यहाँ विज्ञप्ति है और विज्ञप्ति में दे रखा है, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, तो ये हमारी विज्ञप्ति खुल करके आ चुकी है। विज्ञप्ति राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान 9 जून 2023 को यह जारी की गई थी और सफाई कर्मचारियों के निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। आवेदन करना है ऑनलाइन SSID के जरिए। ऑनलाइन आवेदन करने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको SSID पर जाना होगा। SSID पर जाकर के आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपको सफाई कर्मचारी के आवेदन वाले फॉर्म पर क्लिक करना है। आपके पास वन टाइम पास रजिस्ट्रेशन होने के लिए OTP आएगा और OTP को दर्ज करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए आपके पास में अभ्यर्थी के नाम का जन्म तिथि होनी चाहिए, उसका लिंक आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई ID प्रूफ होना चाहिए, ये होना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन गलत कर देते हैं तो आपका फॉर्म हमेशा के लिए रद्द माना जाएगा, इसलिए आप अपने नाम और रोल नंबर को सही से, आपने नाम और डिटेल को सही से भरे, अगर कोई त्रुटियां हैं तो उनको पहले ही संशोधन करवा लें और फिर आवेदन करें। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन SSID के माध्यम से करते हैं तो आपको 10वीं कक्षा की अंक तालिका पहचान दस्तावेज के रूप में अपलोड करनी होगी, और यदि आप जनाधार कार्ड या आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 10वीं की अंक तालिका की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या जनाधार कार्ड से ही करें। और इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और mail ID देनी होगी, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और खुद की mail ID होना चाहिए, इसको बदला नहीं जाएगा क्योंकि इसी पर आपको आगे की जो जानकारियां हैं वो इसी पर मिलेंगी। और आप जब आवेदन करते हैं तो आवेदन का आपको application ID प्राप्त होगी, अगर आपको application ID प्राप्त नहीं होती है तो आपका आवेदन नहीं हुआ है, इसलिए application ID प्राप्त होने पर ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सारी जानकारियां सही भरनी है और पूरी भरनी है, अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर आप अधूरा छोड़ते हैं और गलत जानकारियां भरते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा और इसकी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। अगले पॉइंट में है, और इसकी जानकारी अगर आपको अधिक लेनी है तो उसके लिए ये वेबसाइट का ID है, इस ID पर आप क्लिक करके
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं rajasthan.gov.in अर्बन। अगला पॉइंट है कि 176 नगर निकाय हैं और अगर इन नगर निकायों में आप सभी में आवेदन कर देते हैं तो आपके सारे के सारे आवेदन रद्द हो जाएंगे, इसलिए आपको केवल और केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन करना है, इसके अलावा और किसी भी नगर निकाय में आवेदन नहीं करना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है, जो भी भरा हुआ गया है उसी पे आपको संतुष्टि बनाए रखनी है, चाहे गलत नगर निकाय चुन लिया हो आपने तो उसी को ही रहने देना है, दूसरे निकाय में नहीं भरना। अगर आपने दूसरे में भर दिया तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो आवेदन करने से पहले ही आपको सारी जानकारियाँ सही से चेक करनी है फॉर्म में। अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो आपकी फिर से फॉर्म नहीं खुलेगा और त्रुटियाँ आपकी सही नहीं होंगी, इसलिए फॉर्म को सही से अच्छे से देखकर भरें। और आवेदन भरने के बाद आपको प्रिंट अवश्य प्राप्त कर लेना है, क्योंकि यह आपको बाद में मांगा जा सकता है। और आपको चेक करने के लिए प्रीव्यू दिया जाएगा कि आपकी कोई गलतियां तो नहीं हैं, इसलिए उस प्रीव्यू को ही आप आवेदन फॉर्म नहीं माने, उसको फाइनल सबमिट करें, तभी जाकर के आपका फॉर्म पूर्ण भरा जाएगा। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क होगा आपका सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹600 आवेदन शुल्क होगा, आरक्षित वर्ग के लिए SC ST OBC के लिए ₹400 होगा और दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्तियों का आवेदन ₹400 होगा। और यहाँ ये नोट दे रखा है कि आपसे एक बार शुल्क लिया जाएगा, इसके बाद आपसे बार बार शुल्क नहीं लिया जाएगा विभाग द्वारा। अब यहाँ पदों की बात की जाए तो सफाई कर्मचारी के पद दे रखे हैं और नगर निकाय दे रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है जयपुर ग्रेटर नोएडा, जयपुर ग्रेटर में है 3670 जयपुर की है, जयपुर हेरिटेज में 108, चौमू में 46, सांभर में 45, चाकसू में 47, कोटपुतली में 67, फुलेरा में 9, जोमेर में 57, किशनगढ़ रैनवाल में 30, शाहपुरा जयपुर में 14, बांदीकुई में 3, बगरू में 33, सीकर में 107, लक्ष्मणगढ़ 1, फतेहपुर 5, रामगढ़ 10, श्रीमाधोपुर 9, नीम का थाना 3, खंडेला 27, रिंगा 7, झुंझुनू 48, नवलगढ़ 35, चिड़ावा 42, बिसाऊ 7, मुकुंदगढ़ 16, सूरजगढ़ 11, पिलानी 4, खेतड़ी 2, विद्या विहार 15, दौसा 31, लालसोट 9, अलवर 84, खेरली 12, राजगढ़ 11, खैरथल 43, तिजारा 23, बहरोड 4, भिवाड़ी में 130, भरतपुर में 67, बयाना में 47, डींग में 57, कामा में 50, नदवई 8, बेर 4, कुम्हेर 32, भुशावर 16, नगर 18, धौलपुर 251, बाड़ी 10, राजाखेड़ा 68, सवाईमाधोपुर 57, गंगापुर सिटी 315, करौली 38, हिंडौन सिटी 307, टोडा भीम 1, अजमेर 328, ब्यावर 177, किशनगढ़ 81, केकड़ी 64, पुष्कर में 68, सरवाड़ा में 16, विजयनगर में 70, टोंक में 130, नेवाई में 31, मालपुरा में 8, देवली में 17, टोडा रायसिंह में 13, उनियारा में 3, भीलवाड़ा में 148, शाहपुरा भीलवाड़ा का हिस्सा यहाँ पर 37 है, गंगापुर में 6। तो गंगापुर और गंगापुर सिटी दोनों अलग अलग है, इस बात का भी ध्यान रखें।
और जहाजपुर में 6, आसिंध में 11, गुलाबपुरा में 17, मांडलगढ़ में 21, लाडनू में 28, मेड़ता सिटी में 68, मकराना में 53, कुचामन सिटी में 24, डिडवाना में 16, पर्वतसर में 25, नावा में 18, कुचेरा में 14, उदयपुर में 407, फतेहनगर में 12, भिंडर में 14, कानौड़ में 21, सलूम्बर में 11, राजसमंद में 50, नाथद्वारा में 38, आमेठ में 1, देवगढ़ में 18, बांसवाड़ा में 89, कुशलगढ़ में 20, डूंगरपुर में 36, सागवाड़ा में 13, चित्तौड़गढ़ में 156, निम्बाहेड़ा में 104 और बाड़ी सादली में 24, कपासन में 24, बेगू में 21, प्रतापगढ़ में 44, छोटी सादली में 17, जोधपुर उत्तर में 239, जोधपुर दक्षिण में 389, फलोदी में 70, पीपाड़ शहर में 47, बिलाड़ा में 222, जैसलमेर में 42, पोखरण में 87, सिरोही में 54, आबू पर्वत पर 34, आबू रोड में 47, शिवगंज में 3, पिंडवाड़ा में 23, पाली में 296, सौजत सिटी में 104, सादली में 13, बाली में 17, तख्तगढ़ में 32, सुमेरपुर में 87, जैतारण में 64, खोडाला फारना में 4, रानी में 2, जालौर में 98, सांचौर में 78, भीनमाल में 26, बाड़मेर में 140, बालोतरा में 85, बीकानेर में 121, देशनोक में 46, नौखा में 102, डूंगरगढ़ में 129, श्रीगंगानगर में 95, रायसिंह नगर में 13, गजसिंहपुर में 9, श्रीकरणपुर में 30, अनूपगढ़ में 80, सादुल शहर में 11, सूरतगढ़ में 94, पदमपुर में 21, केसरी सिंहपुर में 5, हनुमानगढ़ में 116, नौहर में 11, पीलीबंगा में 39, भादरा में 39, संगरिया में 47, रावतसर में 60, चूरू में 20, रतनगढ़ में 25, सुजानगढ़ में 143 और सरदार शहर में 45, राजगढ़ जैन चूरू में 65, छापर में 16, बीदासर में 32, राजल देसर में 10, तारा नगर में 18, रतन नगर में 12, कोटा दक्षिण में 160, कोथुन में 24, सांगोंद में 24, रामगंज मंडी में 21, छबड़ा में 17, मांगरोड़ में 19, अंता में 3, झालावाड़ में 68, भवानी मंडी में 24, झालरापाटन में 10, पिड़ावा में 28, अकलेरा में 14, बूंदी में 69, लाखेरी में 40, केशवरायपाटन में 19, नैनवा में 15, कापरीन में 28, इंद्रगढ़ में 5 और कुल मिलाकर के हो जाते 13,184। तो आपको ये लिस्ट अच्छी तरह से देखनी है, जिससे भी आप आवेदन करते हैं उसको आप अच्छी तरह से देख लें आप कहाँ से आवेदन करना चाहते हैं, तो उसी नगर निकाय को चुनें। और एक ही नगर निकाय चुनना है तो यही सबसे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा और हम आपको दिखाते हैं क्या क्या जाए। और यहाँ पर अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के आवेदन नहीं हो पाते हैं पूरे, तो फिर 3 भर्ती प्रक्रियाओं के बाद में 4थी भर्ती प्रक्रिया के रूप में सामान्य कर दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से आवेदन है, आरक्षण है, और महिलाओं को नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नॉन क्रीमी लेयर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की जाए तो 8% पद विधवाओं के लिए हैं और 2% पद विवाहित और तलाकशुदा यानी परित्यक्त महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। विधवा महिलाओं को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाकशुदा महिलाओं को
डिवोर्स पेपर बनवाना होगा और अंतिम तिथि से पहले बनवाना होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% का आरक्षण है और यह 19/2/2019 और 20/10/2019 के अनुसार है। 12 ज़िले में शहरीय जाति पाई जाती है तो उनको शहरीय जाति पर उनको क्लिक करना होगा, उसको भरना होगा। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्देश है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है जिनके पास सर्टिफिकेट है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पीस पास अगर ये है सर्टिफिकेट तो उनको 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी उत्कृष्ट खिलाड़ियों का 2% रिजर्वेशन है और उनके पास में ये सर्टिफिकेट होने चाहिए इनमें से, तभी जाकर के उनको 2% रिजर्वेशन में स्थान मिलेगा। विकलांगों के लिए अलग से रिजर्वेशन है तो उनके पास में विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, उनके लिए ये रिजर्वेशन है अलग से। और यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे, राजपद अधिकारी, नगरपालिका के अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य, और वो उनका कोई संबंधी नहीं होना चाहिए, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं 6 माह की अवधि में जारी किया हो, तो इस तरह से उसको अपने जानकार से नहीं बनवाना। वेतन की बात की जाए तो मैट्रिक लेवल 1 निर्धारित है और राष्ट्रीयता होनी चाहिए, भारत का नागरिक, नेपाल का भी हो, भूटान। आयु में छूट है 5 वर्ष की, महिलाओं के लिए 5 की और रिजर्वेशन के लिए 5 की, और अनुसूचित के लिए भी 10 वर्ष की है। और महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी आवेदन करने के बाद, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा, एक कमेटी गठन किया जाएगा और जो गठित कमेटी है वही इनका सिलेक्शन करेगी, इंटरव्यू लेगी और उनसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसमें चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की योग्यता अनुभव का परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधी कार्य, रोड स्वीविंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवा कर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा
और इसमें जो वाल्मीकि और हिला समाज के सदस्य हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देखा जाएगा? उसका जन्म प्रमाण पत्र देखा जाएगा, जन्म से संबंधित डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए। दूसरा जनाधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र के 2 फोटोकॉपी, और इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केंद्रीय एवं राज्य किसी भी विभाग या केंद्रीय एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वयंशासी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था में स्वयं संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसियों को जारी किया गया कार्य आदेश की 2 सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। तो जो कौन से कार्य आदेश में उन्होंने काम किया है वो कार्य आदेश की उनको प्रतिलिपि देनी होगी। 2 चरित्र प्रमाण पत्र होंगे, राजस्थान का मूल निवास होने की 2 फोटोकॉपी, अगर आपके पास में कोई जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देनी होगी। दो चरित्र प्रमाण पत्र, राजस्थान की मूल निवासी, SC ST सर्टिफिकेट, विवाह पंजीयन, विधवा पंजीयन, डिवोर्स पंजीयन, तो इनमें जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो सारे होने चाहिए। अगर कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और इसमें पेंशन भी दी जाएगी। और इसका आवेदन का फॉर्म बढ़ा दिया गया है। अब आपको सबसे ज़रूरी बताते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाता है। तो अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपसे उसके खर्चे के रूप में पैसे मांगे जाते हैं। तो आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस किस ने कितने कितने पैसे लिए हैं, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि ये पता चल सके कि अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में कितने कितने रुपए तक लोगों से वसूले गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की और ज़रूरत पड़ेगी? फोटोग्राफ की ज़रूरत होगी आपको, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, 6 महीने पुराना चल जाएगा। फ़ोटो की पृष्ठभूमि, तो फ़ोटो संबंधित निर्देश हैं यहाँ पर, किस तरह से होना चाहिए, बिना चश्मे के या कलरलेस चश्मे होना चाहिए। अंगूठे का निशान अपलोड किया जाएगा, सिग्नेचर होंगे, और ये स्कैन करके होने चाहिए। मोबाइल का लिया हुआ फ़ोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज़ों में पहले ही बता दिया गया है। तो इस तरह से आपको आवेदन करना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आपसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं। जब आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया हो या बनवाने जा रहे हो तो कितने पैसे आपसे मांग रहे हैं, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपसे कितने कितने रुपए लिए हैं। उनके नाम बताना ज़रूरी नहीं है और ना ही आपका नाम बताना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।